धरती से आसमान देखने में हमेशा नीला ही क्यों नजर आता है? क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली अंतरिक्ष महिला कौन थी? और तो और, एक अंतरिक्ष सूट बनने में कितना रुपए लगता है? आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिनको सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी इस वीडियो के आप सारे फैक्ट्स जान पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो अब तक पहले पहुँचे। फैक्ट नंबर वन, जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो उबलने लगता है और उसका उसमें कई सारे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अगर यही पानी आप अंतरिक्ष में गर्म करोगे तो उसमें आपको कोई भी बुलबुला नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, उसमें सिर्फ आपको एक ही बुलबुला दिखाई देगा और उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला कौन सी थी? आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कल्पना चावला जी के बारे में, लेकिन वो भारत की सबसे पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। दरअसल दुनिया की सबसे पहली महिला रूस की थी। जी हाँ, उनका नाम था वेलेंटिना टेरेस्कोवा और वो 16 जून 1965 को अंतरिक्ष में गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसे आसान भाषा में कहा जाता है अंतरिक्ष सूट। इस सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर होती है। जी हाँ, अगर इसे भारत रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लमसम 88 करोड़ 24 लाख रुपए के बराबर होता है सूट। जी हाँ, ये वाकई में बहुत महंगा सूट होता है दुनिया का। फैक्ट नंबर फोर, हम जब भी आसमान को धरती से देखते हैं तो हमेशा वो नीला दिखाई देता है हमें, लेकिन अगर आप इसे अंतरिक्ष में जाकर देखोगे तो आपको काला नज़र आएगा। जी हाँ, ये आपको काला दिखाई देगा अंतरिक्ष से आसमान। फैक्ट नंबर फाइव, आज के युग में अंतरिक्ष में जाना उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि इंसान सोचते थे कि कभी वो अंतरिक्ष में जा पाएंगे। जी हाँ, मंगल या मून जैसे ग्रह पर कभी जा पाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये सबसे पहले कभी इंसान भेजे ही नहीं गए थे अंतरिक्ष में। जी हाँ, सबसे पहला एक कुत्ता गया था अंतरिक्ष में। जी, एक कुत्ते को भेजा गया था अंतरिक्ष में। फैक्ट नंबर सिक्स, अंतरिक्ष यात्री हमेशा सफ़ेद रंग के सूट ही पहनते हैं। दरअसल ये सूट हवा के दबाव को मेंटेन रखता है। अगर सूट फट गया तो अंतरिक्ष में गए इंसानों की दम घुटने से मौत नहीं होगी, बल्कि शरीर के फटने से मौत हो जाएगी। जी हाँ। फैक्ट नंबर सेवन, अमेरिका बम फेंकने में माहिर है, ये बात तो सभी लोगों को पता ही होगी। साल 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम फेंका था, जो हिरोशिमा में फेंके बम की तुलना में 100 गुना ज़्यादा खतरनाक था। फैक्ट नंबर एट, हमारे गोले यानी पृथ्वी पर पूरे दिन भर में एक ही बार सूर्योदय और एक ही बार सूर्यास्त होता है, लेकिन आपको ये बात जानकर तो बहुत हैरानी होने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में केंद्रों पर दिन भर में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। मतलब अंतरिक्ष में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। फैक्ट नंबर नाइन, जॉन ग्लेन दुनिया के सबसे उम्रदार व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। जब वे गए थे तो उनकी उम्र लगभग 77 साल की थी। जी हाँ, जब वो मतलब 77 ईयर ओल्ड, मतलब इतने बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। फैक्ट नंबर टेन, अगर आपको लगता है कि अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं के बारे में हमें पिछले कुछ दशकों से पता चल रहा है तो आप गलत हो। जी हाँ, क्योंकि गैलीलियो ने आज से 400 साल पहले ही टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष को देख लिया था। जी हाँ, 400 साल पहले ही अंतरिक्ष को देख लिया था गैलीलियो ने। थैंक यू दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और साथ ही कमेंट करके बताइए आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।